नमस्कार। आज हम रवा डोसा बनाएंगे। रवा डोसा बनाने के लिए रवा ली हूँ मैं, थोड़ा सा मैदा ली हूँ और थोड़ा सा चावल काटा ली हूँ। ये चावल काटा नहीं था इसको, मैं चावल को पीस के और छन्नी से चाल के और ले ली हूँ। इसका कोई मात्रा नहीं है। अब थोड़ा रवा ज़्यादा रहेगा चावल क्रिस्पी करने के लिए है, क्योंकि हम तुरंत बनाएंगे डोसा। जब कुछ नाश्ता समझ में नहीं आया तो तुरंत का तुरंत बनाया जा सकता है। तो मैं ले ली हूँ, इसको एक साथ मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा तेल डाल देंगे। चुटकी भर हींग डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे और दही डाल देंगे 2 चम्मच डाल के, और इसमें हम पानी डाल देंगे और इसका एक पतला घोल तैयार करना है। इसके लिए इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये डोसा तुरंत बनाएंगे। इसमें और पानी डाल देंगे। घोल इस तरह से है, थोड़ा सा और पानी डाल देंगे। वैसे एक पतला घोल बना लेंगे, इसमें लम्स नहीं रहे, इसके लिए हाथ से मिला लेंगे। इस तरह से घोल तैयार हो गया। इसको साइड में रखते हैं, चटनी बनाते हैं। चटनी बनाने के लिए तेल ले लेंगे, तेल गरम हो गया है, इसमें जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी उड़द की दाल है उसको भी डाल देंगे, मिर्ची लहसुन और सिंगदाना इसको भी मिर्ची डाल देंगे। ऐसी एक सूखी मिर्च भी इसमें फ्राई हो गया, इसको निकाल लेते हैं। पूरा तेल हटा के निकाल देंगे। इसमें हम मसाला बनाएंगे डोसा का। एक जार ले लेंगे और सिंगदाना लहसुन और मिर्ची डाल देंगे। तेल निकल गया है इसमें से। नमक डाल देंगे, दही डाल देंगे इसमें, थोड़ा सा लहसुन अदरक और मिर्च का ये पेस्ट है ये भी डाल देंगे, इससे चटनी का स्वाद ज़्यादा हो जाएगा। इसको पीस लेते हैं। थोड़ा पानी भी डालेंगे, पीस लेते हैं। चटनी बन गई है, बहुत ही अच्छी चटनी बनी है, काफ़ी टेस्टी है। इसको तड़का लगा लेंगे। कढ़ाई में तेल है, इसमें उड़द की दाल भी है, इसमें थोड़ा कड़ी पत्ता डालेंगे और चम्मच भर के हम राई डाल देंगे। अच्छी तरह हम चटकने देते हैं। राई बहुत अच्छी तरह से चटक दी है। निकाल के और चटनी में डाल देंगे और
इसमें ही हम मसाले के लिए डोसा का मसाला बनाने के लिए थोड़ा सा प्याज डाल देंगे। इसको हमारी चटनी बन गई है, कितनी अच्छी चटनी बनी है। आलू उबाल के मैश करके ले ली हूँ मैं, प्याज फ्राई हो रहा है, प्याज इस तरह से फ्राई हो गया है। थोड़ा सा हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे इसमें, और दो में से बड़े टुकड़े में टमाटर काट के रखे हैं तो इसको डाल देंगे। चार आलू का थोड़ा सा मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ी हल्दी डालेंगे, थोड़ा जीरा धनिया का पाउडर डालेंगे, थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। चार आलू है, दो टमाटर और दो प्याज है, उसके हिसाब से हम नमक डाल देंगे। डोसा में भी नमक है, चटनी में भी नमक है, इसके लिए नमक है डाल देंगे। हम मसाला इसमें आलू डाल देंगे, इसी तरह से इसको मैश कर लेते हैं और डोसा बनाते हैं। तवा गर्म करने के लिए रख देंगे, और ये जो हमारा बेटर है ये रख के ठीक हो जाता है, इसके लिए इसको और पानी डाल के और आप पतला कर लीजिए। इस तरह से इसका पतला गोल होना चाहिए, जितना पतला होगा तो क्रिस्पी बनेगा और गाढ़ा रहेगा तो ये नरम डोसा बनेगा। बनाते हैं, गैस का फ्लेम तेज रखेंगे, इसको अच्छी तरह से मिला के कितना बड़ा आपको बनाना है डोसा, थोड़ा थोड़ा करके इसको हम घोल को डालेंगे। कितना बड़ा भी बनाना है उसके हिसाब से इसको इसको पकने देते हैं थोड़ी देर तेज गैस पे, और फिर इसको कम कर देंगे। इसके ऊपर थोड़ा हम तेल डालेंगे, घी डालना है, बटर डालना है, कुछ भी डालिए। कुरकुरा बनाना है तो थोड़ा सा तेल में घी डालना पड़ेगा, नहीं अगर ऐसे नरम बनाना है तो आसानी से गाढ़ा घोल बनाइए और नरम डोसा बनेगा। गैस का फ्लेम कम कर देते हैं और इसको बना देते हैं। देखिए कुरकुरा बन गया है, इसको अच्छी तरह से हम निकाल लेंगे। चाहे तो आप इसको पलट लीजिए और दो मिनट खोल के आपसे बना लेते हैं। पलट लेते हैं इसको, इतना क्रिस्पी बना है, इसमें मसाला डाल देंगे। इस तरह से डोसा बन गया, इसके लिए थोड़ा सा स्लो बनाना पड़ेगा डोसा बनने के लिए। सर्व करते हैं, हमारा कुरकुरा एकदम डोसा तैयार है बनके। चटनी के साथ आप सर्व करिए गरम गरम एकदम। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे बताइए, और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।